जिला गाजियाबाद, एक शहर जो देश और दुनिया में अपने विकास के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी शहर की आसमान छूती इमारतों के बीच एक ऐसा स्कूल है जो लगता है जैसे इस विकास के बोझ तले दबा है और मुंह उचका कर कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं उम्र दराज लगता हूँ लेकिन हो नहीं, मेरी नींव अभी भी मजबूत है लेकिन मैं झुका नहीं। मेरे अंदर उभरते हुए बच्चों का जोश है इसलिए मैं थका नहीं। मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी साथ ले चलो। वैसे तो कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, पर इस स्कूल की दीवारों के हाथ पैर मुंह सब बने हुए हैं। दीवारों के रंग मानो कहीं उड़ से गए हैं। स्कूल के शौचालय किसी गैस चेंबर से कम नहीं लगते और इन दरवाजों की हालत देखकर हर बच्चे को इसमें फंस जाने का खौफ हर दम सताता है। ऐसा लगता है कि स्कूल के बच्चों के लिए पढ़ाई किसी जंग के मैदान से कम नहीं है, तो आखिर ऐसे में बच्चे पढ़ाई कैसे करें? स्कूल में पानी तो आता है लेकिन नल से नहीं आता और बार बार क्लासरूम में जाकर रुक जाता है। धुंधले ब्लैक बोर्ड्स देखकर लगता है कहीं बच्चों का भविष्य धुंधला ना जाए। वो कहते हैं ना, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। परवरिश केयर्स फाउंडेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, इनकी रिसर्च टीम ने पूरी लगन और मेहनत से एक रिसर्च की और पहुंच गई गाजियाबाद के हिंडन विहार प्राथमिक विद्यालय में। स्कूल फाइनलाइज करने में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम वो जगह चाह रहे थे जहाँ पे जरूरत सबसे ज्यादा हो। तो जब यहाँ आए तो देखा कि आसपास के लोग जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो बहुत इंटरेस्टेड थे, टीचर्स और प्रिंसिपल बहुत एंथुजियास्टिक थी, बहुत कोलैबोरेटिव थी, लेकिन स्कूल की हालत काफी खराब थी। तो लगा कि यहाँ पे जब चेंज आएगा तो एकदम बच्चों को और मोहल्ले को दिखेगा। परवरिश टीम ने पाया कि अगर शिक्षा का मंदिर होगा इतना बेहाल तो यहाँ पढ़ रहे बच्चों का क्या होगा हाल। बस फिर क्या हो गया, मिशन कायाकल्प शुरू। हालांकि स्कूल के कायाकल्प की राह इतनी आसान नहीं थी, लेकिन बदलाव के इस सफर में हम सफर बने अनमोल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अनमोल इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने CSR में एडुकेशन को काफ़ी बढ़ावा देती है। हम लोगों ने पिछले 5-6 साल पहले भी इसी तरह से किसी स्कूल में सपोर्ट किया था, एक हमने रूम बना के दिए थे ताकि जो बच्चे कम आ रहे हैं तो बच्चों की संख्या बढ़ जाए वहाँ पे। तो हमारी कंपनी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सपोर्ट करती है ताकि बच्चों का भविष्य आने वाले दिनों में सुदृढ़ बने और देश के काम आ सके। स्कूल के नवीनीकरण को बड़ी बारीकियों से किया गया, एक एक डिजाइन को सोचा समझा गया और फिर उनको दीवारों पर खूबसूरती से उतारा गया ताकि बच्चे और स्कूल में एक रिश्ता कायम हो सके। वो सिर्फ किताबें ही ना पढ़े बल्कि स्कूल को हर पल जिए और कुछ खूबसूरत यादें बनाए। बच्चे टाइम से भी आ रहे हैं और देख करके वो खुश होते हैं, पेंटिंग देखते हैं बढ़िया तरह से कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है, तो टाइम से आ रहे हैं और बच्चे ज़्यादा भी आ रहे हैं। अब स्कूल लग रहा है कि ये स्कूल है। उद्देश्य ये रहता है कि बच्चे कैसे एक एक्सपोजर बेस्ड लर्निंग सीख पाए। निश्चित रूप से मैं अनमोल बिस्किट्स के प्रबंध तंत्र को, उनके मालिकान को और साथ ही उनके माध्यम से परवरिश फाउंडेशन के लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारा हिंडन विहार का प्राथमिक विद्यालय को बहुत सुंदर और अच्छा बनाया है। स्कूल की छतें अब डर नहीं बल्कि भरोसा देती हैं और दीवारें अब बच्चों को पहले की तरह मायूस नहीं करती बल्कि प्रोत्साहित करती हैं और एक पाठ पढ़ाती हैं। खिलखिलाते स्कूल को देखकर अब यहाँ का हर चेहरा खिल उठा है।